ये हैं पुलिस सुपरिटेंडेंट एंटी करप्शन ब्यूरो से। इनके आने का कारण हमें ठोस नहीं पता था, पर पिछले कल दो चीज़ें हुई थी। एक तो हमें गाय का रेस्क्यू मना करना पड़ा था क्योंकि वो हमारी क्षमता से बाहर था। उसके बाद कॉलर ने कम्प्लेन करने की धमकी दी। आप जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, सीधी सी बात है, तो डाउन काउज और अप काउज ये क्या होता है? ऐसा तो कभी आप अपने उसमें तो बताते नहीं है वीडियोस में, वहाँ पे तो आप बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और फिर हमें फोन आया डीसी रेजिडेंस से और आज एसपी साहब खुद आए। हम तो यहाँ 2014 से कर रहे हैं, तो शुरू में तो सबको लगता है, देखो ना साफ सी बात है, मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, भाई हर कोई कमाने के चक्कर में है, हम जेब से खर्चा करके काम कर रहे हैं। अब तो डोनेशन देते हैं लोग, खैर, पर जैसे जमीन है हमारी अपनी है तो लोगों के डाउट आता है क्यों। जब हमें पहले फोन आया ना कि जैसे कि ऐसे एंटी करप्शन से, हमने कहा यार अब हमें क्या है, हम रेस्क्यू मना भी करते हैं। अब देखो 10 में से 9 कॉल तो मना करनी पड़ती है, जगह लिमिटेड है, तो जगह भर के मना कर दिया। हमने कहा कि यार हमने कोई रेस्क्यू मना किया हो क्या, और होंगे कोई अधिकारी तो नहीं, मैंने आपके जो रिसेप्शन पर होता ना उनको मैंने बता दिया था सारा। अच्छा। पर कई बारी क्या होता है कि चीजें समझने में, मैंने बोल दिया था कि हमारा आने का पर्पज क्या है, अपना काम करो क्योंकि हमको ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग अभी 2 बैल पकड़ लेके आए, एक बैल एक गाय। तुम लेने किसी और को गए थे? किसी और को लेने गए थे, मिले वो। क्या हुआ साहिल भाई? वो मिला एक और मिला भाई। हम सुबह सुबह निकले थे एक बैल और एक गाय को लेने, तो वो बैल तो हमें मिला नहीं, पर गाय के रास्ते में हमें ये एक बोनस बैल जरूर मिला। इसको क्या हुआ है? तो पूरा छिला हुआ है ये तो। अंदर आ जाएगा? अंदर तो पता नहीं, पर ये फ्रेंडली सा लग रहा है मेरे को तो। अबे इसको तो बहुत जख्म है यार, पूरे जख्म पंडे हो रखे ना। चले बैल भाई, अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब गाय वाले के पास। तो हम इसी बैल के साथ ले जाएंगे उस गाय को? दोनों शरीफ है ना भाई, अपने आप ही ना, इसको पता नहीं सांड है एक, वो मारता है इसको शायद ना, उस चक्कर में एक दो बार तो हमने छुड़ाई भी उससे। ये ब्लॉन्डी जैसी दिख रही है ना ऐसा, देखो छेद हो गया पूरा, टोकन निकाल रखा है। हाँ तो आप पकड़ते नहीं तो यहाँ छोड़ के जाते हैं? मिलता नहीं है, रात रूत में छोड़ जाते होंगे। स्मेल इसमें से आ रही है? बहुत गंदे आ रहे हैं। तो हम ये गाय उसने लड़की ने बांध ली थी और इसको लाना ही था, ये आ गई। तो एक ये आप बोनस लाए हो, ये रास्ते इससे पहले ये दिख गया हमें गग्गर में, इसका नाम हम बोनस रख सकते हैं। ठीक है। और ये पालतू है? गाय तो सारी पालतू होती है, वो छोड़ देते हैं जब दूध देना बंद कर देती है। कैसे हो गया इस समय गर्मियाँ है ना, तो अगर हल्का स्क्रैच भी ये लग गया तो उस पर जब मक्खी बैठेगी अंडे देगी तो ये होगा। किसी भी अगर घर में तो कर सकते नहीं, जब दूध देना छोड़ दिया तो फिर बाहर कर दी। फिर अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, देखो आप बैल देख रहे हो जिनके टेस्टिकल्स पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, अब इन्होंने क्या है, अब आप थोड़ा गलत सेंस में मत लेना, एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा ना कास्ट्रेशन का प्रोग्राम चलाया है। अच्छा। तो आप मतलब इसके ना फीडबैक दे सकते हैं, आपसे चिट्ठी मतलब डीसी साहब को लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि भाई ये दिक्कत है। अभी जैसे ये दवाई इसको कितने टाइम लगा के फायदा होगा? सर कितने वुंड्स हैं साले बैल के? सर 9-10 वुंड्स हैं, सारे मैगेट्स वाले। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, ये एक्सीडेंटल केस हो सकता है या किसी ने क्रुएल्टी करी है? एक्सीडेंटल हो सकता है। तो मेजर 2 वुंड्स हैं सर, हॉर्न वाला और फ्लैग वाला। पेन में होगा सर ये? बहुत पेनकिलर दे दिया है या एयरवेक्टिव मैंने सर? हाँ जी सर, मैगेट्स बाहर आते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से भी ज़्यादा है। तो इसका जो सींग वाला वुंड छोड़ के बाकी सारे ओपन रखेंगे? हाँ बाकी सारे तो ओपन ही रखेंगे। ये ले भगवान, कहाँ का चोट है सर इसको? इसके शोल्डर के नीचे वुंड है, ये बैक साइड वाले में मैगेट्स है काफ़ी, और ये जो दोनों पैर है उसमें भी छोटे छोटे मैगेट्स हैं। वो फिनाइल नहीं 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 नहीं, उससे पॉइजनिंग हो जाती है। वो बीटाडीन फिर लगा सकते हैं, बीटाडीन लगा सकते हैं, पर डिटॉल डालना या फिनाइल डालना या पेट्रोल वो खतरनाक है ना। तो एसपी साहब तो अपनी बिटिया को पीपल फार्म दिखाने लाए थे ताकि वो यहाँ पे वॉलंटियर कर सके। तुम कहाँ जा रहे हो जल्दबाजी में?
कुठेड़ विक्की ने तो बैल पकड़ना है नहीं वो तो कुत्ता विक्की ने तो कुत्ता पकड़ना है मैं तो कह रहा था साहिल साहिल तू मेरी जगह था मैं तेरी जगह आ जाता हूँ ना शूट अच्छा होगा और ना पकड़ा अच्छा जाएगा फिर डबल अच्छा हो जाएगा फिर देखना क्या हुआ क्या भैया इसको ब्लड निकल रहा है इसको यहाँ से डीप है डीप तो नहीं है स्किन में ही अभी तो इसका हम रेस्क्यू कर रहे हैं सही ट्रीटमेंट शीट करेंगे हो जाएगा ट्रीटमेंट शीट देखिए घाव भरती है प्रकृति हम तो सिर्फ उसको साफ रखते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं तो अगर आप बतौर रेस्क्यूअर्स वुंड मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो बहुत से केसेस बिगड़ने से पहले ही सड़क पे ही ठीक किए जा सकते हैं इंजेक्शन कौन सा दे रहा है नीरोकाइन दे रही नर्व के लिए हाँ ज्योति ने मुझे अभी फोन करके बैड न्यूज दी है ओ क्यूट है ये क्या कहानी है इसकी सर ये कल ना 7 बजे के करीब आए थे मैंने कहा डॉक्टर नहीं है फिर ये वहीं पे बातें कर रहे थे उसके बाद ये चले गए स्कूटी लेके आगे आगे जाके इन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया या क्या रहा है अच्छा मतलब छोड़ ही गए ये छोड़ ही गए सुंदर बच्चा हाँ मेरा बेटा इसके ना फ्रंट लेग में एक गॉज बंधी हुई थी और उसके ऊपर बैठ रहा बंधा हुआ था मतलब कोई इलाज तो करवा रहा था इसका वैसे हील हो गया ना सर हो गया बस जो बस ये थोड़ा सा वुंड थोड़ा सा रह गया ना वुंड बस ये वुंड ठीक करना यार ऐसी गंदी बातें करती हो ते मुश्को इसका नाम भी रख दिया मैंने ये चल पा रही है वो भी देख नहीं तुमने उबी ले मेरे ले ये ले यार रुक जाना बच्चा मैं पकड़ लूँ मुन्नो तू बड़ी गंदी बातें मत कर अपनी आप बड़ी आई तू मुश्को दीदी फिर इसके पैर का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है अभी हाँ अभी मैंने लाइजर स्टार्ट की है ना जो उसके स्टिफनेस की के लिए ऐसे कर रहा है ना ये उसके लिए मतलब ठीक हो जाए उसके लिए लाइजर स्टार्ट की हमने ना वैसे बदतमीजी क्या करना क्या चिपट पड़ेगी मेरे से ओ दे बबलू बाय रिलीज नहीं हो रहा है शिफ्ट हो रहा है हॉस्पिटल हम जो थोड़े सिंपलर केसेस हैं मतलब बबलू क्या है लगभग हील्ड है ना थोड़ा सा उसका स्किन पूरा रिकवर होने को बचा है और उसकी ट्रीटमेंट हम वहाँ पर भी कर सकते हैं आराम से हॉस्पिटल में तो अभी उसको वहाँ लेके शिफ्ट कर रहे हैं और जो दूसरे अभी फ्रेश इंजरी के साथ आने में जा रहे हैं उनको अभी यहाँ करेंगे जितनी जगह बनती है यार मेरे को भी करना है क्या करना है तेरे को पैर में कुछ लग गया तुम भैया तभी कहते हैं मीडिया ऑफिस से बाहर मत निकला करो चॉकलेटी बॉय आपसे आपका बैल है ये आज से कृपाल सिंह के चाचा का बैल है हम जा रहे हैं अभी शाहपुर शाहपुर में एक गाय है जिसके फ्रंट लेग में एक इतना बड़ा वुंड है और उसका ना जो फ्रंट लेग का जॉइंट है वो डिसलोकेटेड है तो आप पानी वानी भी पिला रहे थे इसको पानी पिलाया था अच्छा अच्छा ये चोट लगी हुई है इसके टांग में ये सड़क पे रही होगी किसी ने गाड़ी से डैश किया वजन नहीं ले पा रही ना एक पैर पे बहुत भयंकर ड्राइविंग करते हैं वैसे आराम करने दो तो बाबे थोड़ी देर में इसको इंजेक्शन लगाए गए ना 3 हां जी आराम से थोड़ा सा और रिलीफ मिला इसको हाँ वो पेन किलर लगाए होंगे ना दर्द वाले इंजेक्शन ये बहुत पुण्य का काम करते हो आप लोग धन्यवाद अंकल जी कैसे करेंगे संजय भी अब क्या तिरपाल के उठाए पर बंदे कहाँ चलाएंगे अच्छा है यहाँ शादी हो रही है भैया उन्होंने बड़ी हेल्प करी बेचारों को अगर वो नहीं मिलते लोग फिर हम तीन क्या करते क्या करते हुए पूछ रहे तू कैमरा चलाता हम दोनों गाय को पकड़ते चाचा बेचारा देखता आ जाओ गुलाबो गुलाबो मेरी गुलाबो इसको अगली टांग में फ्रैक्चर है पॉसिबल ह्यूमरस का फ्रैक्चर है कौन सा फ्रैक्चर बोन का नाम है ह्यूमरस ये वाला जॉइंट भी इसने पूरा स्टिफ कर लिया है क्योंकि शायद काफी टाइम से होगा तो ये
पूरा ऊपर नहीं हो पा रहा है। बाकी इसको जॉन्डिस भी है, एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम इसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स को तो रखेंगे, प्लस जॉन्डिस के लिए और ब्लड के लिए सपोर्टिव्स भी ऐड कर देंगे, और ब्लड टेस्ट के बाद देखते हैं बाकी कुछ अगर एडिशन या डिलीशन होगी तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। प्यारा ज़मीन हर जानवर से मिल रहा है, ये इसको फीडबैक दे रहा है, बहुत सेफ जगह पर आ गया, यू विल बी फाइन वन डे। विक्की आजकल एक भावनात्मक दौर से गुजर रहा है, विक्की इस बारे में उल्लेख करेंगे थोड़ा? नहीं सर। कौन है भावना? भावना तो वही है। बता दो विक्की। उसको ज्यादा पता है उसके पीछे वाले। मैं सही चल रहा हूं, हिम्मत चलती है। सर ये किसका कर रहे हो आप ट्रीटमेंट? चिंगारी का। किस स्वेलिंग वाले पार्ट है उसमें आप कुछ इंजेक्शन लगा रहे थे, किस लिए सर? हाँ जी है, हम इंजेक्शन लगा रहे थे ताकि जिससे हमने पेरेंटल इंजेक्शन दिया था उससे इसको इतना फर्क नहीं आया, आया है पर वो स्लो रेट पे आ रहा है, तो हम लोकली दे रहे हैं अब इसको इंजेक्शन ताकि थोड़ा सा एनहांस्ड इफेक्ट के लिए और जल्दी ये स्वेलिंग डाउन जाए। पेरेंटल स्टाइल और लोकल स्टाइल में क्या फ़र्क है सर? पेरेंटल मतलब कि इंट्रामस्कुलर आईवी, और लोकल मतलब कि एक जगह पे। ओके, डायरेक्ट चोट पे। हम जा रहे हैं मेरे घर, न्यू जो कैट आई है उसका नाम वैसे मैंने चांदनी सोचा था। हाँ। अच्छा सोचा है, मतलब कंफर्म नहीं है ना? तो उससे मिलने जा रहे हैं, देख लेती हूँ या तो वो सोफा मतलब ये जो बैठने का उसके नीचे बैठेगी और या तो पर्दों के पीछे छिपी रहेगी, है ना, और उसका एक ही जगह है सबसे ज्यादा वो फेवरेट ये वाला, वो यहीं कोने में। हाय बबल, ये वही कैट है ना जो वो लड़का दे गया था? हाँ, अबैंडन करके गया ना, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है। एटलीस्ट ये खाना खा रही है, कोई और इन्फेक्शन का मेरे को अभी तक कोई भी साइन नहीं मिला है, जीरो है ना, शी इज फाइन अभी तो, लेकिन ये दोस्ती नहीं कर रही बिल्कुल। या कुको? नहीं बाबू इसका नाम। अच्छा ठीक है हम पीछे वापस बिठा देंगे, हम वापस बिठा देंगे आपको। गुड गर्ल, सॉरी मेरा भी भरोसा गया इस पर। सुपर फास्ट है वो, जो उसका हाइडिंग स्पेस है ना वहाँ भागते हैं सबसे पहले। आजा बाहर आजा चांदनी, हे सारा, हे कोको। नहीं कोको अभी डरी हुई है, नहीं तो खा लेती है थोड़ा सा। तू ले ले पूरा फोकस। सर अभी बकरा ईद पे मैंने एक दोस्त को फोन किया था मुबारक देने के लिए, खास दोस्त था। गर्लफ्रेंड? नहीं, दोस्त था, बचपन का दोस्त था। तो वही है, फ़ोन उठाते ही सबसे पहली चीज़ तो यही बोली कि नहीं भाई नहीं काट रहे। मैं क्या हुआ, अरे मुझे पता है तुमको वहाँ फिर आगे यही बोलोगे, कह रहे नहीं काट रहे। तो फिर पता चला कि सर उन्होंने 2013 के बाद बकरा काटा ही नहीं, बकरा ही। ओह नाइस। और ये क्यों हृदय परिवर्तन हुआ उनका? बोला तो नेता मोदी के आने का। अच्छी बात है। तो मतलब कि उसको टाइम से हम बताइए कि मोदी साहब है तो ऐसा, मतलब रीजन नहीं है। रीजन क्या? रीजन नहीं होता है, रीजन नहीं कहते, ऐसे नहीं है हमारा, मतलब नहीं काटते हैं बकरा छोड़ के कुछ और तो नहीं काट रहे। पॉइंट नहीं अच्छे को फोकस करेंगे, नहीं क्या नहीं काट देंगे। गुड।